अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक और उसका अत्यंत महत्वपूर्ण तात्पर्य। सर्वप्रथम कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भगवान की भक्त है वही वास्तविक रूप से सती है। कुंती महारानी चूंकि भगवान की इतनी अनन्य भक्त है इसलिए कुंती महारानी को सती कहा गया है, क्योंकि वास्तविक रूप से कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, कृष्ण ही हमारे पिता हैं, कृष्ण ही हमारे पति हैं। यदि आप इस भौतिक संसार के पति के प्रति बहुत ही आसक्त हो, बहुत ही समर्पित हो, किंतु भगवान की सेवा को उपेक्षा करते हैं तो आप सती नहीं वैश्या कहलाओगे, क्योंकि वो परम पति हैं। इस संसार के भौतिक संसार के पति परिवर्तित होते रहते हैं, कभी कभी इस जीवन में चार बार परिवर्तित हो जाते हैं, कभी जीवन बदलने के बाद भी ये सब झूठ मूठ की प्रॉमिस है, सात जन्मों तक का साथ निभाएंगे। किसने देखा है आप क्या बनेंगे और वो क्या बनेंगे, हैं? आप कुत्ता बन गए और वो बिल्ली बन गए तो क्या साथ निभाएंगे? इज इट पॉसिबल, कैन ए डॉग एंड ए कैट मैरी? नो, दे कैनॉट मैरी, ठीक है। परंतु भगवान इस जन्म में आपके पति हैं और अगले जन्म में भी आपके पति रहेंगे और पिछले जन्म में भी थे, 100 जन्मों के बाद भी रहेंगे, इसलिए वो परम पति और परम पिता हैं। उनकी भक्ति छोड़ने के पश्चात कोई भी आश्रय नहीं है, इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने सर्वप्रथम इस बात पर विशेष बल दिया है। दूसरा प्रमुख विषय श्री प्रभुपाद जी यहां स्पष्ट करते हैं कि अनन्य भक्ति, अनन्य भक्तों का गुण, अनन्य भक्तों का गुण होता है वो एकमात्र भगवान पर आश्रय लेते हैं, भगवान का आश्रय लेते हैं, दूसरी तरफ रक्षा के लिए देखते भी नहीं है। मेरे तो भगवान है वो देख लेंगे, अलग अलग प्रकार के भक्त होते हैं। तो जो कनिष्ठ अधिकारी है उसकी भक्ति स्थिर नहीं होती, उसका भगवान में विश्वास दृढ़ नहीं होता है और वो विपत्ति के समय चारों तरफ देखता है कोई भी बचा लो ठीक है, और जो भगवान का अनन्य भक्त है वो एकमात्र भगवान की तरफ देखता है, और जो उससे भी महान है वो देख करके प्रार्थना भी नहीं करता है, भगवान आपकी इच्छा है तो बचाओ नहीं तो मरने दो। आप तो देख ही रहे हो, यू आर सीइंग व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई शुड आई आस्क यू। एक बहुत बड़े बाबा जी थे मायापुर धाम, बंसीदास बाबा जी, मेरे को ठीक से नाम ध्यान में नहीं आ रहा। तो ऐसा घटनाक्रम हुआ कि कुछ लोगों ने उनको मायापुर धाम में उनके ऊपर शारीरिक दंड दिया, उनको उनकी पिटाई की घटनाक्रम के अंतर्गत, और बहुत पिटाई की। तो सारे भक्त समाज जानते थे कि महान भक्त है, तो उन्होंने पूछा बाद में कि आपने भगवान से प्रार्थना क्यों नहीं की, आपने नित्यानंद गुरु को याद क्यों नहीं किया। तो उन्होंने जवाब दिया मैं क्यों याद करता हूं, वो क्या देख लेते नहीं है, उनको तो मालूम है क्या हो रहा है, वैसे नहीं कॉलिंग मे बी दिस वाज गुड फॉर मी, मेरे पापों का उद्धार करने के लिए भगवान ने ऐसा अरेंज किया, बहुत धन्यवाद। प्रहलाद महाराज को देखिए, श्रीमद् भागवतम में इतने सारे उदाहरण है, प्रहलाद महाराज के ऊपर इतनी बार विपत्ति आई, एक बार नहीं आई। उनकी बहन होलिका उनको बैल साथ में गोद में लेकर के आग में बैठ गई, आग में बैठ गई वो, किंतु क्या प्रहलाद महाराज ने एक बार भी प्रार्थना की हे भगवान आइए, ऐसा कोई उल्लेख भागवत में नहीं है। जब उनको जहर दिया गया तब भी उन्होंने पी लिया, उनको मालूम था जहर है, ठीक है। जब उनको सांपों के साथ रख दिया गया तब भी वो कुछ नहीं कहे, प्रतिवाद भी नहीं किए, पहले भगवान से प्रार्थना करने भी नहीं बैठे,
हे भगवान मेरी रक्षा करना। He did not even ask, oh Lord, please protect me. He could have asked, right? Such a great personality. पर्वत की चोटी से उनको फेंक दिया गया, पर्वत की चोटी से फेंक दिया गया, परंतु ऐसा कोई वहां पर वर्णन नहीं है श्रीमद् भागवतम में कि उन्होंने प्रार्थना की हो भगवान को मेरी रक्षा करें। भगवान आपकी इच्छा है तो रक्षा कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, मैं तो आपका सेवक हूं। आई एम योर सर्वेंट, अनकंडीशनल सर्वेंट, बिना किसी शर्त के मैं आपकी सेवा करने के लिए उद्यत हूं। मेरी शर्त नहीं है, हम लोग शर्त लगाते हैं, भगवान मेरा ये बिजनेस इतना अच्छा हो जाएगा तो मैं आपको इतना दूंगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन है आपको भोग लगाऊंगा, आपको हलवा खिलाऊंगा यदि मेरे को मलाई मिलेगी तो खिलाऊंगा, नहीं तो मेरा बड़ा राजमहल बन जाएगा तो आपके लिए एक कमरे में छोटा कोना आपको दे दूंगा, आप ही रह जाना, है कोएग्जिस्टेंस, राइट। यह है हमारी भक्ति, परंतु अनन्य भक्तों का यह लक्षण नहीं है, वो एकमात्र भगवान की सेवा के लिए जीते हैं, एकमात्र भगवान की सेवा, that is the only pleasure they have in their life, to serve the Lord. और पांडव इस प्रकार के अनन्य भक्त हैं, they have only one purpose, to serve the Supreme Lord Krishna. भगवान आपकी सेवा करना ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, भले ही हम जंगल में रहे या महल में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, no difference, it makes no difference. Actually, it makes no difference. It is only a state of mind. ये मन की एक परिस्थिति है। मन के कारण आप दुखी हो, क्योंकि मन इच्छा करता है, अरे मैं राजमहल में बैठा होता तो कितना अच्छा होता। अभी क्या कमी हो रही है? कोई कमी थोड़ी ना हो रही है। Still you are happy or not? You are getting what you want to eat, right? Nice prasadam, nice cloth. What is the problem? No problem. परंतु आपका मन एक अभाव की सृष्टि करता है, आपका मन एक अभाव की सृष्टि करता है, और जब आप उस अभाव से अपने आप को इतना जोड़ लेते हो तब आप दुखी होने लगते हो, आ मैं उस पोजीशन पे नहीं हूं, व्हाई व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, है? इसलिए महान महान भक्त लोग देखिए, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके पास अथाह संपत्ति थी। तक्त्यातुल्यम् अशेष मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छवा, दे वर ग्रेट एम्परर्स, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, लैंडलॉर्ड्स, बट दे गेव अप एवरीथिंग, उन्होंने सब कुछ, तक्त्यातुल्यम् अशेष मंडलपति, सब कुछ तिनके के समान छोड़ दिया, तिनके के समान। आर यू अटैच विद द ग्रास? नो, नॉट अटैच, सिमिलरली सिंपली, ओ नो, टेक अवे, टेक अवे। श्रील सनातन गोस्वामी जी के पास वो ब्राह्मण आया और उस ब्राह्मण ने प्रार्थना की, बड़े ठाकुर मैंने सुना है कि आपके पास पारसमणि है। पारसमणि जानते हैं किसको बोलते हैं? लोहे को छूने से सोना बन जाएगा, यदि पारसमणि से इसको छू दिया तो क्या होगा? प्योर गोल्ड। जैसे ये गोल्ड बनेगा आप लोग मेरे को यहां से नीचे पटक दोगे और लेके भाग जाओगे, राइट? नो मोर भाग बताओ प्रभु, हो गया, राइट? सोचो पारसमणि थी सनातन गोस्वामी जी के पास में, और ब्राह्मण ने आकर के पूछा, ब्राह्मण देव ने, भाई आपके पास पारसमणि है? सनातन गोस्वामी जी ने कहा है, तो आपको क्या काम है, मेरे को दे दीजिए। सनातन गोस्वामी जी ने कहा, ले जाइए। तो भी
कहाँ पर है जल्दी बताइए। पारस में सनातन गोस्वामी जी के बाहर जो कचरा का डब्बा है ना उसके साइड में देखो कोने में दबी हुई, वो गया उसने देखा सच में है, टेस्ट किया ग्रीन, मेरे तो भाग्य खुल गए, इतना प्रफुल्लित हो गया, इतना खुश हो गया, अब तो मैं विश्व का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति बन गया हूं। और लेकर के भागा, प्रणाम किया, बड़े ठाकुर धन्यवाद धन्यवाद, जाता हूं, अच्छी बात है, हरे कृष्णा, जाइए। सनातन गोस्वामी जी फिर अपने जप में बैठ गए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्राह्मण देव जा रहे थे, जमुना जी पार कर रहे थे, जमुना जी पार करते हुए उनके मन में विचार आया, बिजनेस माइंड है ना, ही थॉट, व्हाट ही थॉट, अरे ये पारस मणि को गोस्वामी ठाकुर ने कचरे के डब्बे के बाहर रखा था, इसका मतलब ये मणि जो है उनके लिए इतनी वैल्यूएबल नहीं है, ये मणि वैल्यूएबल नहीं है तो इसका मतलब एक और है कि उनके पास इससे ज्यादा वैल्यू वाली कोई चीज है, करेक्ट। यदि आपके पास 1,00,000 रुपए है तो आप क्या 50 पैसे के लिए चिंता करते हो, टेल मी, इफ यू हैव 10,00,000 रुपीज इन योर कबर्ड विल यू बॉदर फॉर 1 रुपी, विल यू बॉदर, नो। तो जरूर सनातन गोस्वामी जी के पास में इससे बहुत कीमती कुछ है, समथिंग वेरी वैल्यूएबल, समथिंग वेरी वैल्यूएबल। और मेरे माइंड में पक्का है, मेरा डाउट जो है पक्का है कुछ है, और वो तो इतने सरल है, उन्होंने मेरे को ये दे दिया तो वो भी दे सकते हैं, आज अच्छा मूड है, मौका है, चांस नहीं छोड़ना है, राइट, चांस नहीं छोड़ना है। सो ही केम बैक, वापस आया नौका से, उतरा, फिर से ठाकुर महाशय को प्रणाम किया, बैठ गया। तो स्वामी जी ने पूछा आप क्या बात है, क्या समस्या है, नहीं एक बात पूछना चाहता हूं, पूछ लो। तो आपने इस पारस मणि को वहां कचरे के ढेर के पास रखा था, तो आप ये बताइए कि इस पारस मणि से ज्यादा कीमती आपके पास और कुछ है, समथिंग मोर वैल्यूएबल। सनातन को समझने का जरूर है, बिल्कुल है। तो ब्राह्मण देव ने कहा तो वो बताइए, वो दे दीजिए मेरे को। तो सनातन को समझने का दे दूंगा, वो भी दे दूंगा, नो इश्यू, आपने ये पूछा मैंने ये दे दिया, आप वो पूछ रहे हो वो दे दूंगा। तो उसने कहा दीजिए। सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि देखो मैं देने के लिए तैयार हूं, परंतु पहले आपको ये वाली मणि फेंक के आनी पड़ेगी, क्या कंडीशन है, इस मणि को आप फेंक करके आइए जमुना जी में, तब मैं आपको वो दूंगा, आप पक्का देंगे ना, क्या कहा, पक्का जरूर देना है। सनातन गोस्वामी ने कहा इसमें कोई संदेह का बात नहीं है, तो ब्राह्मण देव को विश्वास था सनातन गोस्वामी जी में, सनातन गोस्वामी जी कहते हैं वो तो सत्य है, तो मिथ्या नहीं हो सकता है, जरूर करेंगे। तो वो गया और मनोयोग के साथ उसने वो जो पारस मणि थी वो जमुना जी के बीच में छोड़ दी, जाओ आज तो भाग्य खुलने वाले हैं, है? So happily, so smiling, happy mood, he was walking, आया, प्रणाम किया उसने सनातन गोस्वामी जी को, बैठा, फिर से फैलाई झोली, ठाकुर, हैं, अब दे दीजिए। तो सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि ये वाली मणि जो है इसमें नहीं दी जाती है, इधर आओ। तो फिर अरे बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम्हारा कान लाओ,
तो कान नजदीक लेके आया है तो सनातन गोस्वामी ने कहा ये कान में दूंगा। वो ये कान में दी जाती है, समथिंग वेरी स्ट्रेंज, कुछ जादू होगा अरेंजमेंट है। सो ही केप्ट हिज फेथ, ही ब्रॉट हिज इयर्स है उनके गोस्वामी जी के कान नजदीक लेके आया और उस कान में सनातन गोस्वामी जी ने कहा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल। और सनातन गोस्वामी जी की कृपा से, उनकी कृपा से इस ब्राह्मण देव को हृदय में भगवत भक्ति जाग गई। एक शुद्ध भक्त के मुखारविंद से जब भगवान का नाम सुनते हैं दिव्य नाम, तो हमारी सुप्त कृष्ण भावनामृत जागृत हो जाती है। इज अवेकेंड द डॉर्मेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी कहते हैं डॉर्मेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस, इट इज देयर बट इट इज डॉर्मेंट। सो by attentively hearing, because Brahmana was very attentive to hear what he is saying, something very valuable, very valuable, because he was attentive he got this benefit. Brahmana dev itne prasann hue, itne aanandit hue, dukhi nahi hue ki are maine paras mani phek di. He was really happy, he was blissful. Aur us दिव्य भगवान के नाम रूपी चिंतामणि को लेकर के वापस अपने गांव को चल पड़े। तो यह है भगवान के भक्तों का लक्षण। भगवान के भक्त भगवान के नाम भगवान की भक्ति के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर रहते हैं, और ऐसे भक्तों की रक्षा करना भगवान का स्वभाव है, भगवान का आनंद है। हमारा भी एक आनंद है ना, वी एंजॉय, somebody enjoy something, somebody enjoy something, किसी को भोजन में अच्छा लगता है, किसी को कीर्तन में अच्छा लगता है, somebody likes prasadam, somebody likes dancing, right? Everyone has some liking, अच्छा लगता है, धन कमाना अच्छा लगता है सबको, right? कोई ऐसा है जिसको धन कमाना अच्छा नहीं करता? सबको अच्छा लगता है, तो सबका अपना अपना लाइकिंग होता है, अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार से भगवान को भी कुछ चीजें अच्छी लगती है, भगवान की भी कुछ पर्सनल पसंद है। जानिए इस बात को, यू शुड नो व्हाट कृष्णा लाइक्स, व्हाट कृष्णा लव्स, व्हाट ही लव्स। तो भगवान Krishna likes protecting his devotees. Krishna loves serving his devotees. भगवान अपने भक्तों की सेवा करना चाहते हैं, ये उनका प्रेम है। The whole world is eager to serve Krishna, and the same Krishna is eager to serve his devotees. Krishna is eager to serve. So if Krishna is eager to serve the devotees, what will be lacking in your life? आपके जीवन में क्या कमी रह जाएगी बताइए? यदि भगवान आपकी सेवा करने के लिए तत्पर है और आप भक्त बन जाते हो, तो आपके पास किस चीज की कमी रहेगी बताइए? Do you lack anything? Do you need anything more than that? क्या आपको किसी और चीज की आवश्यकता है भगवान के संरक्षण के अलावा? है नहीं, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति कहेगा नहीं, और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जब पूरे सारे अखिल ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी भगवान वो हमारी रक्षा के लिए तत्पर है, हमें प्रेम करते हैं, तो अब फिर जीवन में कमी किस बात की है? कोई बात की कमी रहेगी? नो नो क्वेश्चन। इसलिए भक्त सदैव प्रसन्न रहता है और संतुष्ट रहता है।
और आनंदमय रहता है। ये सीक्रेट है, इसलिए भगवान की भक्ति को स्वीकार कीजिए और सदैव प्रसन्न रहिए, आनंदमग्न रहिए और जीवन का वास्तविक सार्थकता प्राप्त कीजिए। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।